हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजी सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। हम देखेंगे कि इस तंत्र में कैसे कि जो हृदय है पूरे शरीर में हमारे रक्त को पंप करता है और रक्त हमारे शरीर में किन दो प्रकार का होता है अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप कह सकते हैं एक ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है और दूसरा ऑक्सीजन विहीन रक्त। तो इस डायग्राम को समझने से पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं जो कि इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है ये काफी इजी वे में बनाया है ताकि इसे आप आसानी से समझ सके और कॉपी भी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं। पहले आर्टरी अर्थात धमनी और दूसरी वेन्स अर्थात शिरा। तो आर्टरी क्या होती है? आर्टरीज में जो रक्त बहता है वह शुद्ध रक्त होता है और वेन्स में जो रक्त बहता है वह अशुद्ध रक्त होता है। अर्थात जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड है और वेन्स में जो ब्लड है वह कैसा है? ऑक्सीजन विहीन रक्त। तो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन कहने का तात्पर्य क्या है कि आर्टरीज में ब्लड कौन सा बहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। तो ये मेन डिफरेंस था आर्टरीज और वेन्स के बारे में। तो आप इसे याद रखिएगा, ये दोनों ये डिफरेंस को आप समझने डायग्राम समझने के लिए काफी आपको हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट के डायग्राम से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट का साइज कितना होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्मल भाषा में अगर देखें तो जो हृदय है उसका साइज लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, या फिर जो इसका एवरेज वेट है वो कितना है? 300 ग्राम इसका एवरेज वेट है। ये कुछ दो टर्म्स थी। अब शुरू करते हैं हार्ट के डायग्राम से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हार्ट है वह इसमें कितने चैम्बर है? चार चैम्बर्स पाए जाते हैं जिसमें कि दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं। एट्रिया को हिंदी में आलिंद और वेंट्रिकल को निलय कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी अगर आप बायोलॉजी में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसे अगर जो आपका लेफ्ट है वो आप उस डायग्राम में क्या होगा? राइट होगा। जैसे कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपके लिए ये वाली साइड राइट साइड है और ये लेफ्ट। लेकिन बायोलॉजी में आप डायग्राम ऐसे देखें, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड जैसे है तो मैं इस साइड करके देखूंगी तो ये कौन सा हार्ट की साइड है? ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो ये होगी हमारी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से हम देखेंगे कि ये यहां जो प्रेजेंट है ये क्या है। पहले हम देख लेते 1, 3, 2, 4। ये मैंने कुछ मार्किंग्स की हुई है जिसमें 1 और 3 क्या है? एट्रिया, एट्रिया लेफ्ट साइड और एक ये राइट साइड। इसी तरह 2 और 4 वेंट्रिकल लेफ्ट साइड और राइट साइड। इनमें क्या काम क्या होता है? जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की उसमें कौन सा रक्त बहता है? उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वह रक्त जो कि ऑक्सीजन युक्त हो, या फिर आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि इस साइड कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। जबकि राइट साइड अशुद्ध रक्त बहेगा, यानी कि वह ब्लड जो कि ऑक्सीजन विहीन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो जो लेफ्ट साइड है यहां से जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या करती है? इस वेन में जो ब्लड आएगा वो कहां से आएगा? अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी, इससे पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लंग्स में एल्वियोला या कुपिका प्रेजेंट होती है, वहां से मैं आपको डायग्राम से पढ़ा देती हूँ। मान लीजिए यह एल्वियोला है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होती है, इसके नीचे रक्त कोशिकाएं होती है। तो जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेने के दौरान जब वह ऑक्सीजन हमारे लंग्स या फेफड़ों में जाती है तो जब वह एल्वियोला या कुपिका तक पहुंचती है तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा है और यह रक्त वाहिकाओं में क्या है? ऑक्सीजन की
कमी है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वह रक्त वाहिकाओं में आएगा, तो जिससे कि क्या होगा कि जो ये रक्त वाहिकाएं होंगी ये क्या होंगी, ऑक्सीजन युक्त वाहिकाएं होगी, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वाहिकाओं में बहता है, हमने अभी पढ़ा था आर्टरीज में, तो ये क्या है आर्टरीज। तो मान लीजिए ये हमारे लंग्स है, और लंग्स से कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि आर्टरीज वाला, जो आर्टरीज में रक्त बहता है वह कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में क्या करता है, एंटर करता है, यानी कि जो हार्ट की जो लेफ्ट साइड है उसकी जो ओरिकल्स सॉरी एट्रिया है उसमें पल्मोनरी वेन से ब्लड एंटर करेगा। यहाँ जो जब रक्त की एंट्री होती है इसमें उस समय क्या होता है कि जो एट्रिया होता है इसमें सिकुड़न होती है, और सिकुड़न के कारण क्या होगा कि यहाँ वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होने के पहले बंद होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ, लेकिन जैसे ही एट्रिया में सिकुड़न पैदा होगी यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगे कि ये जो वाल्व है ये खुल जाएंगे, और खुलने के कारण जो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है वो क्या होगा, ये सीधा वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, यानी कि यहां से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। तो ये था लेफ्ट साइड के बारे में। और जो ये वाल्व प्रेजेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। तो ये आप याद रखिएगा कि जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है उसमें जो एक कॉमन पैसेज है किसके 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 भीतर, या लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल के भीतर क्या है, बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, ये एक पैसेज है जिससे कि जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल में जो ब्लड आने के बाद क्या होगा कि यह ब्लड ये एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में हमारे फैल जाएगा, पूरे शरीर में जो रक्त बहता है ये एओर्टा, आप कह सकते एओर्टा, आप याद रखिए कि एओर्टा हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर ब्लड विच ट्रांसमिट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हॉल ऑफ द बॉडी। तो एओर्टा से हमारे पूरे जो बॉडी के टिश्यूज है वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, तो एओर्टा से हमारे पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ हमारे बॉडी टिश्यूज है, तो बॉडी टिश्यूज तक क्या आ जाएगा, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर को मिल जाएगा। तो ये पूरा काम था लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे हमारे पूरे शरीर में होता है, तो ये हमने देखा। अब हम देखें राइट साइड ऑफ हार्ट, यानी राइट साइड में मैंने आपको बताया था कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन विहीन रक्त। अब जो ये हमने देखा कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी टिश्यूज को ट्रांसमिट कर दिया है, अब क्या होगा, तो काफी जो अगर थोड़ी देर बाद तो जो ये ब्लड था जिसमें कि क्या था ऑक्सीजन युक्त था, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम तो होगी ना, क्यों, क्योंकि जो ये ब्लड वेसल्स जो आर्टरी थी, आर्टरी ऑक्सीजन को बाकी बॉडी टिश्यूज को दे देगी, और ऑक्सीजन बाकी बॉडी टिश्यूज को देने के बाद जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि वो ऑक्सीजन विहीन वाहिकाएं बन जाएगी, और ऑक्सीजन विहीन वाहिकाएं किसे कहते हैं, वेन्स को, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड, और इस इम्प्योर ब्लड को शुद्ध करने के लिए यह हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा, ताकि इसकी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके और इसे शुद्ध किया जा सके। यह ब्लड हमारे सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के माध्यम से राइट साइड ऑफ हार्ट एंटर करेगा, ये मैं यहां लिख रही हूं एसवीसी और आईवीसी, अर्थात सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। तो इन दोनों वेन्स के माध्यम से क्या होगा, जो ब्लड है यहाँ एंटर करेगा, तो फिर वही जो सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाएगा जैसे लेफ्ट साइड में स्टार्ट हुआ। जैसे ही ब्लड यहाँ एंटर करेगा लेफ्ट साइड के एट्रिया में एंटर करेगा तो क्या होगा, यहाँ भी क्या होगी, सिकुड़न होगी, कॉन्ट्रेक्शन होगी। कॉन्ट्रेक्शन के होने से पहले क्या होगा, ये बंद थी, वॉल्व थी जो बंद थी, लेकिन जैसे ही सिकुड़न होगी क्या होगा, ये वॉल्व
खुल जाएगी, जिसके कारण जो ब्लड है वह वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। और जो यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। याद रखिएगा जो लेफ्ट साइड ऑफ हर्ट है वो बाइकस्पिड वॉल्व है और राइट साइड में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब क्या है, हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है। अब वेंट्रिकल्स के बाद हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये कहाँ जाएगा, अब ये जो ब्लड है ये क्या है, ऑक्सीजन विहीन रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त है। और इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए यह जो रक्त है यह लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि जो ये वेन है ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें है यानी ऑक्सीजन विहीन रक्त है। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से इन वाहिकाओं में आ जाएगा, जिसके कारण ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाएगी। और आर्टरीज से हमारा जो फिर दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाएगी, यानी कि जो हमारा रक्त है लंग्स तक पहुंचा वो अब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। क्यों, क्योंकि जो एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन की जो गैस एक्सचेंज हो गया है वहां लंग्स में हो जाएगा, और लंग्स के बाद फिर जो वो रक्त है फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा, हार्ट में, और हार्ट से फिर एओर्टा के थ्रू हमारे सारे बॉडी टिश्यूज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी आपको शायद एक चीज में कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ट्रांसमिट होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त है, जबकि मैंने तो बोला था कि जो आर्टरी है उसमें शुद्ध रक्त होता है। इसी तरह पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से आ रही है इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि वेन्स में मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। तो याद रखिएगा ये दोनों जो है ये एक्सेप्शंस है आर्टरीज और वेन्स में, यानी कि अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी एकमात्र आर्टरी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है। इसी तरह जो पल्मोनरी वेन है यह एक ऐसी एकमात्र वेन है यानी कि शिरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, काफी एग्जाम्स में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा रक्त बहता है। तो ये था इस डायग्राम के बारे में। तो अभी हम कुछ और चीजें पढ़ लेंगे, पहले मिटा देती हूँ ताकि आपको आगे अच्छे से समझा सकूं। अब मैं डायग्राम में आप देख रहे हो कि मैंने रेड कलर की कुछ मसल्स भी बनाई हुई है, इनका क्या काम होता है चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने बताया कि जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में कैसे ट्रांसफर होता है, जब वहां पे संकुचन यानी कि कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, और ये कॉन्ट्रेक्शंस पैदा कैसे होते हैं, तो इसके समझने के लिए आप देख लीजिए कि जो ये ब्लड आप ये देख रहे हैं ये मैंने बनाई है, ये मसल्स है, हार्ट की मसल्स है। और एक चीज और आप देख सकते हैं कि मैंने जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है यानी कि वह साइड जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसमें क्या है, उसकी जो मसल्स मांसपेशियां बनाई है मैंने कुछ मोटी बनाई है, किसके कंपैरिजन, राइट साइड ऑफ हार्ट के। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है उसे क्या करना है, हमारे पूरे शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करना है, किसके माध्यम से, एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का बहाव करना है। जबकि जो राइट साइड ऑफ हार्ट है इसे इसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, और वो अशुद्ध रक्त तो केवल कहाँ जाता है, लंग्स के पास। क्यों जाता है, प्योरिफाई होने के लिए। तो इसलिए पूरे शरीर को शुद्ध रक्त देने के लिए जो पंप करना पड़ेगा वो काफी ज्यादा करना पड़ेगा, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट, तभी तो पूरी बॉडी को क्या दे पाएगा, शुद्ध रक्त का प्रदान कर पाएगा। इसलिए जो इसकी मांसपेशी है मसल्स है वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की मोटी होती है कंपैरेटिवली राइट साइड ऑफ हार्ट। एक तो ये मेन डिफरेंस हो गया, और साथ ही जो हमारा हार्ट है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि एक और मेम्ब्रेन इसमें ऐसे आप मान लें प्रेजेंट होती है ये, और जो ये मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच एक
फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और स्लूट को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हार्ट को किसी प्रेशर या किसी मतलब आघात पहुंचने से बचाता है। तो इसका मेन काम यही है। और जो हमारा रक्त है जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। आप सभी को पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ मतलब हमारे शरीर में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और जिस कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। ये कुछ टर्म्स थी। अब हम देखेंगे कि जो कॉन्ट्रेक्शन हमारा रह गया था कि मैं आपको बताना भूल गई कि कॉन्ट्रेक्शन हमारे शरीर हमारे पूरे जो हृदय है कैसे कॉन्ट्रेक्शन होती है जिससे कि रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है। तो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे मैं रफली सा डायग्राम बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये दोनों क्या है, एट्रिया 1, 3 और 2, 4 जो मैंने सेट बनाई है, ये दोनों एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ये कौन सी है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और ये राइट साइड ऑफ हार्ट। तो क्या होता है, जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है यहां कुछ यहां एक नोड प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। मैं ऊपर लिख रही हूं ऐसे, क्या है साइनो एट्रियल नोड। और एक और नोड प्रेजेंट होती है जो कि यहां होती है एट्रियो वेंट्रिकल नोड। वेंट्रिकुलर और नोड हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइनो एट्रियल नोड को हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे हृदय में संकुचन या कॉन्ट्रेक्शन होती है वो कौन पैदा करती है, साइनो एट्रियल नोड। ये क्या करती है, यह इलेक्ट्रिक एक विद्युत धारा प्रेजेंट करती है जिससे कि संकुचन होता है। ये एक विद्युत धारा को एट्रियो वेंट्रिकल नोड तक पहुंचाती है। जब एट्रियो वेंट्रिकल नोड तक विद्युत धारा पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, ये मसल्स है मतलब मांसपेशी है जो हमने यहां बनाई है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो जो एट्रोवेंट्रिकल नोड है, जो विद्युत धारा साइनो एट्रियल नोड से आई है, उन विद्युत धारा को एट्रोवेंट्रिकल नोड क्या करेगा, पूरे जो हृदय है उसमें फैलाएगा। और कैसे फैलाएगा, बंडल ऑफ हिस के माध्यम से। ये क्या है, ये बनाया है मैंने बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या करते हैं, जो विद्युत धारा साइनो एट्रियल नोड ने पैदा की है उनको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के माध्यम से पूरे हृदय की मांसपेशियों में फैला देगा। और इसपे कुछ पुरकुंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बंडल ऑफ हिस की हेल्प करते हैं, पुरकुंजे फाइबर्स। तो ये था कि हार्ट में कैसे संकुचन पैदा होता है। तो साइनो एट्रियल नोड को हम क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर की जो धड़कन है यानी कि जो धड़कन को क्या बनेगा, नियमित करता है। जो हमारे जो दिल की धड़कन है, बीट्स है, वो क्यों होती है, वो तभी पैदा होती है जब हमारे जो हृदय है उसमें संकुचन पैदा होता है। तो साइनो एट्रियल नोड का मेन काम क्या है, हमारे धड़कन को नियमित करना, इसलिए इसे हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने सुना होगा कि उनमें उनको क्या हुआ था, जो साइनो एट्रियल नोड है वो अनियमितता उसमें आ गई थी, यानी कि साइनो एट्रियल नोड अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो जिस कारण जो उनकी हृदय की धड़कन है वो अनियमित हो गई थी। इसलिए क्या किया गया था कि साइनो एट्रियल नोड की जगह एक आर्टिफिशियल
पेसमेकर उनके यहाँ पर जोड़ दिया गया था। आपने सुना होगा कि काफी पेशेंट में सुना जाता है कि हार्ट की सर्जरी हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि उनकी जो धड़कन अच्छे से काम नहीं कर रही थी। अब आपको बोला जाए कि एक नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, यानी कि मनुष्य में, एक सामान्य मनुष्य में एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है, 72 बीट्स पर मिनट। और जब ये बीट्स मतलब एक मिनट में इतनी बार एवरेज ना धड़के, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में सारे एड्रिनल नोड है वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा, और ये अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो संकुचन है वह अच्छे से नहीं हो पाएगा, और संकुचन अच्छे से ना हो पाने के कारण हमारे शरीर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका संचार भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये था पुरकुंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस्स और साइनो एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकल नोड के बारे में। तो यहां मैंने आपको करीबन करीबन हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया है। अब हम देख लेंगे कि इसमें हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है, हालांकि अभी तो काफी जो ट्रीटमेंट है आ गए हैं जिससे कि आसानी से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन पहले काफी डर जाते थे कि बच्चे के हृदय में छेद है, क्या होगा, अच्छे से ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है, क्या मतलब होता है हृदय के छेद होने का। कई बार क्या होता है कि जो ये वेंट्रिकल्स है इसमें क्या होता है, ये जो वॉल है इन दोनों के बीच, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों के बीच छेद होता है, और इस छेद में होने के कारण जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इस कारण हम कई बार बोलते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, तो ये एक कारण था। तो इसी कारण क्या होता है, ये दोनों के ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने के कारण एक बीमारी बच्चों में पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होगा, आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि अगर किसी बच्चे को दिल में छेद है तो उसकी आपने देखा होगा जो होंठ और या फिर उसका पूरा शरीर और जो उसके नाखून है वह अक्सर नीले पड़ जाते हैं। तो वो नीले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह इस छेद के थ्रू क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो यह एक मेन कारण है। दूसरा, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक और कारण है जिसके कारण यह हो सकता है, वह क्या है, प्रदूषण का, यानी कि जब वायु में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो, नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी तो फिर क्या होगा कि जो मनुष्य है उसमें ऑक्सीजन जो रक्त में बह रहा है वह उचित मात्रा में नहीं बह पाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वह इस नाइट्रेट के साथ क्या जाता है, इसकी केमिकल रिएक्शन कर लेता है जिससे कि ऑक्सीजन अच्छे से हमारे पूरे शरीर में नहीं बह पाता। तो ये था कुछ ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में, इसमें हमने देख लिया। तो ये था पूरे हार्ट के डायग्राम के बारे में कि कैसे हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, कैसे हमारा हृदय काम करता है। तो एक टर्म तो हमने देख ली कि हमारे शरीर में जो एक मिनट में 72 बार जो वो हमारा हृदय है वो धड़कता है, और लेकिन अगर हम बात करें कि वेंट्रिकल है जो एक बार में, यानी कि एक बार कॉन्ट्रेक्शन होने में कितना ब्लड है, एक कितना ब्लड बाहर निकाल देती है, तो उसकी मात्रा है 70 ml, यानी कि 70 ml जो रक्त है वो वेंट्रिकल से बाहर निकल जाता है एक बार में। तो मतलब अगर हम बात करें स्ट्रोक ऑफ हार्ट क्या होगा, मतलब कि एक बार में जो हृदय है वह कितना रक्त अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो इसमें हम देखेंगे अगर एक मिनट में 72 बीट्स होती है यानी 72 बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कने से क्या होगा, वह 70 बार क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक मिनट में जो हमारा जो हृदय है वो कितना स्टोर कर रहा है ब्लड को, 72 मल्टीप्लाई 70, तो कितना हो गया, 1949 ml, लगभग 5 लीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट
एक बार में पंप करता है, सॉरी एक मिनट में पंप करता है हमारे शरीर में। तो ये था कुछ टर्म्स के बारे में। तो ये 5 लीटर क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट। तो ये था कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स। अभी हमने स्टार्टिंग में जो आर्टरी और वेन्स पढ़ी थी उसके बारे में हम थोड़ी 2-3 चीजें और देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेंगे कि आर्टरी और वेन्स में क्या होता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस तो हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या होता है। अभी तक तो आप सबको भी समझ आ गया होगा कि आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें बहता है, जबकि वेन्स में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक अपवाद है जो हमने यहाँ देखा है जो कि इसको गलत साबित करता है, मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि सॉरी ये मैंने यहाँ आर्टरी लिखना था, एकमात्र ऐसी आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वह कौन सी है? अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह एकमात्र वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अपेक्षा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि जिसमें कि एकमात्र ऐसी वेन जो रक्त विहीन ना होकर ऑक्सीजन युक्त है वह कौन सी है? पल्मोनरी वेन। तो ये था। अब तीसरा अगर डिफरेंस देखें वो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जो आर्टरी की ब्लड रक्त वाहिकाएं हैं उनकी जो वॉल है वो काफी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो आर्टरी है एओटा है उसको क्या है हमारे पूरे शरीर को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना होता है, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को देने के लिए क्या करना होता है कि ब्लड को जल्दी पंप करना होता है, मतलब उसका रक्त का संचार मतलब तेजी से होना चाहिए ताकि पूरे शरीर को जो हमारा रक्त है वह उचित मात्रा में और उचित समय पर मिल सके। इसलिए क्या होगा इसकी जो वॉल है वो काफी मोटी होती है। क्यों? जब जो इसकी मसल है जो वॉल है आर्टरी की मोटी होगी तो क्या होगा इसमें हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई पाइप है, एक मोटी पाइप है एक पतली पाइप है, मोटी पाइप में अगर इक्वल अमाउंट में अगर पानी डाले तो मोटी पाइप में क्या होगा कि वो धीरे धीरे यानी कि अगर उसका आयतन इतना है तो जो एक्स लीटर वाटर है वो इसमें आराम आराम से जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पाइप है उसका आयतन क्या है वो काफी कम है, और इस पाइप में जो पानी है वो काफी तेजी से जाएगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी स्पीड? क्योंकि इसका आयतन कम है, उसमें हाई प्रेशर है, जबकि इसमें क्या है? लो प्रेशर। तो ये कारण था कि जो आर्टरीज है इसमें क्या होती है इसकी जो वॉल है वह मोटी होती है, और जिस कारण जो इसमें हाई प्रेशर बनने के कारण क्या होगा जो रक्त है वह तेजी से बहता है, जबकि जो वेन्स है उसकी जो वॉल्स होती है वो काफी पतली होती है। तो और पतली होने के कारण इसमें लो प्रेशर होता है, और लो प्रेशर से क्या होगा धीरे धीरे रक्त बहता है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस में वॉल्व प्रेजेंट होगी और किसी में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगी। वॉल्व और वॉल्व का काम क्या होता है? आगे की ओर धकेलना। हमने यहां देखा था लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट बाइकस्पिड वॉल्व, राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इन दोनों वॉल्व का क्या काम था? जो रक्त था एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर धकेलना। तो आप बता सकते हैं कि वो किस में वॉल्व प्रेजेंट होगी और किस में वॉल्व नहीं होगी। तो आपको देखने से पता लग रहा है कि इसमें पहले से ही हाई प्रेशर प्रेजेंट है, तो हाई प्रेशर होने से क्या होगा रक्त तेजी से आगे बढ़ेगा, जबकि इसमें लो प्रेशर है, और लो प्रेशर होने के कारण क्या होगा रक्त धीरे धीरे मतलब आगे की ओर बहेगा। इसलिए जो वेन्स है उसमें क्या प्रेजेंट होगी? वॉल्व प्रेजेंट होगी, जबकि आर्टरी में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि यहां तो पहले ही हाई प्रेशर उपस्थित है। तो ये था आर्टरी और वेन्स के बारे में। अब एक तीसरे ब्लड वेसल और है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, वो है
कैपिलरीज या आप कह सकते हैं केशिकाएं। अर्थात केशिका, इनका मुख्य काम क्या है? आर्टरी और वेन्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई एक, ये आर्टरी है और इसमें वेन है। अभी तक तो आपको अच्छा समझ आ गया होगा कि किसमें आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसमें क्या ज्यादा होगा? ऑक्सीजन ज्यादा है और वेन्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी कि ये ऑक्सीजन विहीन रक्त इसमें बहता है। तो जब ये बॉडी टिश्यूज के पास जाएगी, मान लीजिए ये हमारे शरीर के ऊतक यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि एओटा हमारे पूरे शरीर की जो बॉडी टिश्यूज है उसको ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो ये हमारे बॉडी टिश्यूज प्रेजेंट है, तो ये आर्टरी इधर से आ रही है, तो ये आगे क्या करती है? ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में पट जाती है। इसी तरह जो वेन्स है वह भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में बटी होती है, जिसके कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा इन आर्टरीज में क्या थी? ज्यादा थी। और वेन्स में क्या है? मात्रा की कमी है। क्यों कमी है? अब यहां पे आप समझ लीजिए, यहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहां बॉडी टिश्यूज को दे देगा, और जब यह ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट बॉडी टिश्यूज को दे देगा, उसके बाद जो ये ब्लड वेसल्स है ये कैसी हो जाएगी? ऑक्सीजन विहीन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये किन ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी? वेन्स में। क्यों? क्योंकि इनमें अब ऑक्सीजन कम हो गया है, तो ये आगे जाके क्या बन गई है? वेन्स। इसी तरह जो ये सारी जो वाहिकाएं छोटी छोटी कन्वर्ट हो गई है, इनमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ये सब ऑक्सीजन अपना जो यहाँ हमारे बॉडी टिश्यूज प्रेजेंट है उनको दे देंगी, और उसके बाद ये ऑक्सीजन विहीन वाहिकाएं बन जाएंगी, और ऑक्सीजन विहीन वाहिका को हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और इस वेन्स में क्या है? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाएगा? सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा के पास, जिससे कि यह शुद्ध होने के लिए फिर लंग्स के पास जा सके। तो ये था कैपिलरीज के बारे में। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हमारे पूरे शरीर में कैसे सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेशन होता है, और अगर ये ठीक से ना हो पाए, या फिर आप कह सकते हैं कि बच्चे के अगर दिल में छेद हो जैसे कहा जाता है, तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, उसे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और हमने ये भी देखा कि एक मिनट में कितनी बार हमारे जो हृदय है वो धड़कता है, और वो क्यों धड़कता है? क्यों धड़कता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट होता है, जो कि एक विद्युत धारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के माध्यम से पूरी जो हृदय की मांसपेशी है इसमें बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स के माध्यम से विद्युत धारा उपस्थित हो जाती है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशी क्या करती है? संकुचन पैदा करती है। तो ये था। और लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब ये हृदय बार बार इसके धड़कता है, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक बार रिलैक्स हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्यों? क्योंकि इसको ब्लड आके ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर करने के बाद जो ये वाल्व है फिर बंद हो जाती है, यानी कि वो फिर रिलैक्स हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान एक साउंड प्रेजेंट होती है। साउंड क्या होती है? मतलब पैदा हो जाती है, जैसे कि अगर आप स्टेथोस्कोप से अगर आप सुनोगे या फिर मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से सुनेंगे, तो आप एक साउंड सुनते हैं, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे साउंड आपको लगातार सुनने को मिलेगी अगर आप मतलब इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाकर। डॉक्टर्स कई बार देखते हैं, आप स्टेथोस्कोप से आप डॉक्टर्स के पास जाए तो आपके, अगर आप कहें कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपके हृदय की धड़कन जांच करते हैं, और इन लब डब के माध्यम से वे आपकी हृदय की धड़कन को सुनते हैं। तो हमारी जो हृदय की साउंड लब डब के रूप में आती है। दूसरा, जो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर अनियमित है हमारा, तो यानी कि हमारा जो हृदय है वो अच्छे से रक्त का परिसंचरण नहीं कर पा रहा है, वह हृदय अच्छे से रक्त को हमारे पूरे शरीर में मतलब पंप नहीं कर पा रहा है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm of Hg, और
और जो इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए काम आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये कुछ टर्म्स थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे समझ आ गई, आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा हार्ट कैसे पंप करता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।